अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सीडी रोम वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है, ज़्यादातर हम लोग फॉर्मेट करते हैं पेन ड्राइव के जरिए या फ्लैश ड्राइव के जरिए। तो हम लोग 5 मिनट में किस तरह से अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको मैं दो चीज़ बताने जा रहा हूँ, दो तरीका बताने जा रहा हूँ एक्चुअली। चाहे विंडोज़ 8 हो, 7 हो या 10 हो, सबका एक ही तरीका है। चलिए हम लोग इसमें बात करते हैं। पहला तरीका है जो थोड़ा सा लेंथी तरीका है, और दूसरा तरीका है वो और भी इजी तरीका है। तो पहले हम लेंथी तरीका बता देते हैं कि किस तरह से होगा। तो सबसे पहले इसके लिए आपको दो चीज़ चाहिए। एक तो वीर आर सॉफ्टवेयर चाहिए। वीर आर सॉफ्टवेयर का मतलब देखिए, ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये वाला सॉफ्टवेयर, ये वाला वीर आर है, ठीक है। तो वीर आर सॉफ्टवेयर आपका कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होना चाहिए। और दूसरा, जिसका बूटेबल बनाना चाह रहे हैं, जो ओएस का, ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटेबल बनाना चाह रहे हैं, उसका आईओसो फाइल चाहिए। तो हमारे पास वीर आर सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल्ड है और आईओसो फाइल भी है हमारे पास। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमारा देखिए विंडोज 7 का, ये वाला विंडोज 7 का आईएसओ फाइल है हमारे पास, ठीक है। ये देखिए आईएसओ फाइल है विंडोज 7 का। तो हम लोग कैसे बनाते हैं इसको, तो आप सबसे पहले अपना पेन ड्राइव को इंसर्ट कर लीजिए। तो देखिए हमारे पास हमारा पेन ड्राइव यहाँ पर इंसर्टेड है, और इसको फॉर्मेट कर लीजिए, ठीक है। फॉर्मेट करने के बाद और इसमें जो भी कुछ रहेगा आपका वो फॉर्मेट हो जाएगा पूरी तरह से। अगर इसमें कुछ रहता है आपका डेटा वगैरह, तो इसको बैकअप के तौर पर आप ले लीजिए। तो फिलहाल हमारा पेन ड्राइव फॉर्मेट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग जो ये देखे थे ओएस, ये वाला ओएस को हमको उसमें बूटेबल बनाना है। तो इसके ऊपर हम लोग राइट क्लिक करते हैं, और यहाँ से सिर्फ आपको एक्सट्रैक्ट फाइल वाला ऑप्शन में जाना है, और यहाँ से चूज कर लेना है किस में एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमारा पेन ड्राइव को हमको बूटेबल बनाना है, तो हमको पेन ड्राइव खोजना है। देखिए यहाँ पर पेन ड्राइव का ऑप्शन है, इसको क्लिक करके ओके कर देने से ये हमारा बूटेबल बनाना स्टार्ट कर दे रहा है। तो ये थोड़ा सा वक्त लेगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको स्टार्ट कर लीजिएगा, 10-5 मिनट का टाइम लेगा। ये वीर आर और आईएसओ फाइल से हम किस तरह से स्टार्ट, फिलहाल हम इसको कैंसिल करते हैं। जो आसान तरीका है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये वाला, इसमें कुछ भी अगर हुआ होगा तो इसको तो पहले हम लोग फॉर्मेट कर लें। फॉर्मेट करने के बाद ये फिर से हमारा खाली हो जाएगा, ठीक है। ये फिर से हमारा खाली हो गया। अब हमको ये हमारा पेन ड्राइव है, ये पेन ड्राइव को हम यहाँ पर रखते हैं, और हमारा जहाँ फाइल है एक्सट्रैक्ट किया हुआ फाइल मान लिया यहाँ पे फिलहाल है। तो इसी में देखिए आपको एक फोल्डर मिलेगा, सब ऑपरेटिंग सिस्टम में ये बूट वाला फोल्डर मिलेगा। बूट वाला फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पे देखिए बूट सिक बोल के एक ऑप्शन, ये आपको फाइल मिलता है, इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। पेस्ट करने, ये आपका पेन ड्राइव है। अब इसी के ऊपर राइट क्लिक करके रन एस एडमिनिस्ट्रेटर में क्लिक कीजिए। तो रन एस एडमिनिस्ट्रेटर में क्लिक कर दीजिए। तो ये क्लिक करने के बाद आपका ये वाला जो पेन ड्राइव है फिलहाल बूटेबल हो चुका है। अब हम इसको डिलीट करना चाहें तो हम लोग डिलीट कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं इसको, इसका फिलहाल कोई काम नहीं। अब जो फाइल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में जहाँ फाइल रखा हुआ है, ठीक है, ये पूरा फाइल को आप कॉपी कीजिए, फोल्डर को नहीं। ये हमारा फोल्डर है यहाँ पे, इसको कॉपी नहीं करना है। इसके अंदर में जाके ये जो फाइल है इसको आप पूरा कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। तो ये आपका पेन ड्राइव में पेस्ट होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपना पेन ड्राइव को बूटेबल बना लेते हैं। अभी देखते हैं कि बूटेबल होता है कि नहीं, 5 मिनट। तो ये देखिए यहाँ पे
हमारा पेन ड्राइव में पूरा पूरी आ गया, मुश्किल से 5 से 7 मिनट हमको लगा है इसको कॉपी करने में, ये हमारा इसमें पेन ड्राइव में आ गया। ठीक है, अब हम माई कंप्यूटर में जाके देख लेते हैं, तो ये हमारा पेन ड्राइव में फिलहाल आ गया है। ठीक है ना, अब कंप्यूटर को एक बार रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, रीस्टार्ट करने के बाद हमारा वीडियो को थोड़ा पॉज करना पड़ेगा, तो चलिए हम लोग रीस्टार्ट करते हैं। मैं कंप्यूटर फिर से रीस्टार्ट किया हूँ, यहाँ पर देखिए पेन ड्राइव डिटेक्ट कर दिया यहाँ पे। अब माय कंप्यूटर में जाते हैं, देखते हैं, ये देखिए पेन ड्राइव हमारा पूरी तरह से बूटेबल हो चुका है। देखिए बूटेबल हो चुका है, अब बूटेबल तो हो चुका है, अब इसको करना क्या है, सिंपल आपको कंप्यूटर का सेटअप में जाना है। सेटअप में जाने के बाद आपको यूएसबी ड्राइव को बूटेबल फर्स्ट प्रायोरिटी में यूएसबी बूटेबल ड्राइव को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप फॉर्मेट आराम से कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको एक बार थोड़ा सा प्रोसेसिंग दिखा देते हैं कि वो बूटेबल ड्राइव हमारा बूट होता है कि नहीं। सिंपली मैं पूरा बूट फॉर्मेट नहीं करने वाला हूँ, बस आपको दिखा देना चाहता हूँ कि विंडोज 7 का लोगो वगैरह आता है कि नहीं शुरुआत वाला बायोस में जाके। तो चलिए हम फिर से वीडियो को, ठीक है, ये रिस्टार्ट हो रहा है। अब हमको अपने कीबोर्ड से डेल की प्रेस करते रहना है जब तक कि बायोस वाला ऑप्शन ना आ जाए, तो हम डेल की प्रेस कर रहे हैं। डेल की प्रेस करने के बाद अब हमको यहाँ पे चलना है बूट डिवाइस में। तो देखिए थोड़ा से वाइब्रेट हो रहा है, एक्चुअली हाथ से मैं पकड़ा हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्रायोरिटी, यहाँ पे आपको चलना है, यहाँ से एडवांस में चलते हैं। एडवांस मोड में जाके हम लोग को बूट वाला ऑप्शन में चलना है। तो बूट वाला ऑप्शन कहाँ गया, ये देखिए यहाँ पे आपको बूट वाला ऑप्शन मिलता है, इसमें जाकर हमको चूज करना है। देखिए यहाँ पे बूट डिवाइस है, बूट ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे हमको सोनी स्टोरेज मीडिया माने हमारा पेन ड्राइव इसको सेलेक्ट करना है। अब बस इसको सेव करना है, F10 प्रेस करिए। F10 प्रेस करने के बाद यस करना है, एंटर करना है। अब जब स्टार्ट होगा बायोस में आने के बाद, अभी हमको एकदम नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पे देखिए हार्ड ड्राइव BBS पार्टीशन, यहाँ पे बूट डिवाइस को आपको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ सेलेक्ट कर लेना है आपको आपका मीडिया माने पेन ड्राइव, तो यहाँ से पेन ड्राइव सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ से हम लोग बैक चलते हैं, बैक चलने के बाद फिर से हम लोग बूट में जाते हैं। बूट में जाने के बाद अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट बूट डिवाइस, फर्स्ट बूट ऑप्शन फर्स्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमारा सोनी ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है ना, सोनी ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ, मैंने सोनी माने हमारा पेन ड्राइव। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से हमको F10 प्रेस करना है, F10 प्रेस करके यस कर देना है, तो ये फिर से रिस्टार्ट। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये बूट हो गया। इस तरह से आपको विंडोज 7 का लोगो भी आएगा, नेक्स्ट करने से हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा फॉर्मेट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।